तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में आपको हॉलीवुड की टॉप बेस्ट हॉरर मूवीज के बारे में बताने वाला हूं। यहां पर मैंने कुछ अनदेखी फिल्मों को ऐड किया हुआ है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो वीडियो पर बने रहे, वीडियो करते हैं शुरू। काउंटडाउन ये 2019 की अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है। फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो फिल्म में काउंटडाउन नाम की एक एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है, जिसे इंस्टॉल करते हैं तो वो एप्लीकेशन उनकी कितनी ज़िंदगी है उसका अनुमान बताता है, जिसे साल, महीना, घंटा, मिनट और सेकंड भी बताता है। जब काउंटडाउन ख़त्म होता है तो लोगों की अजीब हादसे में मौत होना शुरू हो जाती है। क्वीन हैरी जो इस फिल्म के मेन कैरेक्टर में है, वो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करती है और फिल्म में आगे क्या होता है उसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ये फिल्म अभी ऑफिशियल डब में नहीं आई है, मगर अनऑफिशियल डब में ये हिंदी में अवेलेबल है, तो इस फिल्म को मिस ना करें। द ग्रेव डांसर ये 2006 की अमेरिकन हॉरर फिल्म है। फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो कॉलेज के तीन पुराने दोस्त दारू के नशे में एक कब्रिस्तान में घुसते हैं, जो कि वो बहुत ज़्यादा नशे में होते हैं, तो नशे की हालत में वो कब्रों पे नाचना शुरू कर देते हैं। इनकी ऐसी हरकत की वजह से इन्हें एक शराब लगता है और फिल्म में फिर अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती है। आखिर वो शराब क्या है और फिल्म में आगे क्या होता है उसके लिए तो आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। हॉरर कैटेगरी में ये अच्छी फिल्म है और हिंदी डब में अवेलेबल है, तो इस फिल्म को मिस ना करें। 407 डार्क फ्लाइट ये 2012 की थाई हॉरर फिल्म है। फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो SA-407 फ्लाइट की है, जिसमें बहुत से लोग सवार होते हैं। इस फ्लाइट में 10 साल पहले एक अजीब हादसा हुआ था जिसमें काफ़ी लोगों की मौत हुई थी। फ्लाइट जब उड़ान भरती है तो फ्लाइट में अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती है। फिल्म में आगे क्या होता है वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि फिल्म में एक के बाद एक डार्क सीक्रेट खुलने लगते हैं। वो फिल्म अच्छी है और हिंदी डब में अवेलेबल है, तो इस फिल्म को मिस ना करें। द आई ये 2008 की अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है। फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो फिल्म के मेन कैरेक्टर का नाम है सिडनी, जो कि ब्लाइंड होती है, मगर एक सर्जरी के बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। आंखें ठीक होने के बाद उसे भयानक सपने आने लगते हैं, अजीब चीज़ें दिखना शुरू हो जाती है और उसे मरे हुए लोग भी दिखना शुरू हो जाते हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है उसे सीक्रेट तो आपको इस फिल्म में ही देखने को मिलेंगे, जो कि हॉरर कैटेगरी में एक अच्छी फिल्म है और हिंदी डब में अवेलेबल है, तो इस फिल्म को मिस ना करें। द डार्कनेस ये 2016 की अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है। फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो कुछ लोग ग्रैंड कैनियन पर छुट्टियां मनाने जाते हैं और वहां बच्चों को एक रहस्यमय गुफा मिलती है। उस गुफा में अजीब से दिखने वाले काले रंग के रहस्यमय पत्थर मिलते हैं। उनमें से एक जो है वो अजीब दिखने वाले काले रंग के पत्थर को अपने घर ले आता है। घर लाने के बाद फिल्म में जो है अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती है, जो कि एक अच्छी फिल्म है और हिंदी डब में अवेलेबल है, तो इस फिल्म को आप मिस ना करें। फ्रेंड रिक्वेस्ट ये 2016 की सुपर नेचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो फिल्म में मेन कैरेक्टर का नाम है लोरा, जो फेसबुक पे मेरिन नाम की एक लड़की की रिक्वेस्ट आती है। मेरिन लोरा की क्लासमेट होती है पर उसका कोई फ्रेंड नहीं होता है। मेरिन और लोरा जो है वो फ्रेंड बन जाते हैं, मगर कुछ रीजन के हिसाब से लोरा मेरिन को फेसबुक पे अनफ्रेंड कर देती है। उसके बाद लोरा के एक एक फ्रेंड अजीब हादसों में मरने लगते हैं, जिसका वीडियो लोरा के फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट होता है और इस सब चीज़ों में लोरा फंस जाती है। क्या ये मरीन का सब किया धरा है उसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म अच्छी है और हिंदी डब में अवेलेबल है, तो इस फिल्म को मिस ना करें। द पोजीशन ये 2012 की अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है। फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो क्लाउड उसकी बेटी एम, जो फिल्म के मेन कैरेक्टर में से एक है, एक यार्ड में जाते हैं जहाँ कुछ सामान बिक रहा होता है। एम को एक लकड़ी से बना पुराना बॉक्स पसंद आता है, जो क्लाउड अपनी बेटी एम के लिए वो बॉक्स खरीद लेता है। उस बॉक्स में अजीबोगरीब सामान है। जब से वो बॉक्स घर में आता है, घर में अजीब चीज़ें होना शुरू होती है, जो कि एक अच्छी फिल्म है और हिंदी डब में अवेलेबल है, तो इस फिल्म को मिस ना करें। अ क्यूर फॉर वॉलनेस ये 2016 की साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। फिल्म के मेन कैरेक्टर का नाम है लोकार्ड। लोकार्ड एक कंपनी का एम्प्लॉई होता है। उस कंपनी के CEO को वापस लाने के लिए उसे एक स्पा सेंटर में भेजा जाता है। वहां जाने के बाद एक एक्सीडेंट में लोकार्ड उसी स्पा सेंटर में फंस जाता है। वो स्पा सेंटर 200 साल पुराने खंडरों पर बनाया गया होता है।
लोकहार्ट को अजीब चीज़ें दिखती है और उसे स्पा सेंटर के बहुत सारे डार्क सीक्रेट पता चलते हैं। इस फिल्म की बात की जाए तो इस फिल्म में आपको ड्रामा, हॉरर, थ्रिलर, मिस्ट्री एंड और भी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ये फिल्म बहुत ही अच्छी है और हिंदी डब में अवेलेबल है, तो इस फिल्म को आप मिस ना करें। पेट सेमेट्री, ये 2019 की अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है। फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो डॉक्टर लुई उनकी वाइफ और दो छोटे बच्चों के साथ एक नए घर में रहने के लिए आते हैं। उनके पड़ोस में ज्यूड नाम का एक आदमी रहता होता है जो लुई को घर के करीब के जंगल में एक रहस्यमय कब्रिस्तान के बारे में बताता है। वो कब्रिस्तान जहाँ किसी को भी दफनाओ तो वो फिर से जिंदा हो जाता है। जब लुई की बेटी एक हादसे में मर जाती है तो लुई उसे अपनी बेटी को उसी कब्रिस्तान में ले जाकर दफनाता है। फिल्म में आगे क्या होता है उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ये फिल्म अच्छी है और हिंदी डब में अवेलेबल है, तो इस फिल्म को मिस ना करें। एग्जोसिस्ट, ये 2004 की अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है। फिल्म के मेन कैरेक्टर में है फादर मैरिन, जो केन्या के तुर्काना क्षेत्र में डेरटी नामक एक घाटी में खुदाई कर रहे होते हैं, जहां उन्हें 500 एडी में बनाया गया एक पौराणिक रहस्यमय ईसाई चर्च मिलता है। उसके बाद जो है फिल्म में अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती है। फादर मैरिन को पता चलता है कि उस टाइम में जब ये चर्च बनाया गया था तब इसके बनाने के तुरंत बाद ही इसे दफना दिया गया था। आखिर उस चर्च में क्या राज छुपा हुआ है वो तो आपको इस फिल्म में ही देखने को मिलेगा। हॉरर कैटेगरी में सबसे बेहतरीन फिल्म है और आपको एक एक सीन इसके बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे, तो ये फिल्म आप कभी भी मिस ना करें, इसे ज़रूर देखें। ये हिंदी डब में अवेलेबल है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, गुड लक एंड बाय बाय।